अध्यायन विहद्द काम सूत्र षष्ठ अधिकरण एक वेश्यावृत्ति का शेषांश। वह नायक को अपने प्रेम में पागल करके उसका सब कुछ लूटने के बाद उसे ठुकरा देती है। वेश्या को समझना असंभव है, इसीलिए उससे सदा सावधान और सतर्क ही रहना चाहिए। दो वेश्या की धन लालसा और प्रेमी से विरक्ति। आचार्य गण कहते हैं कि वेश्या अपने प्रेमी से दो प्रकार से पैसा एकत्र करती है, एक तो जो कुछ प्रेमी दे सके दे, और दूसरे जो वेश्या अपनी युक्ति से वसूल करे। यदि वेश्या को उसका प्रेमी वैसे ही काफी धन दे तो उसे और अधिक पैसा खींचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परंतु वात्स्यायन कहते हैं कि वेश्या यदि चतुराई से काम ले तो वह दुगुना धन ले सकती है। वे तरीके ये हैं: आभूषण, अनाज, मिठाई आदि का हिसाब प्रेमी ही के सामने करके, प्रेमी की अमीरी की प्रशंसा करके, मंदिर, तालाब आदि बनवाने का बहाना करके, घर में आग लग जाने या चोरी हो जाने का बहाना करके, अपने ऊपर बहुतों का उधार होने का जिक्र करके, उत्सवों में अच्छे वस्त्र आदि न होने के कारण न जाने का बहाना करके, घर की मरम्मत कराने का जिक्र करके, प्रेमी के पिछले कीमती उपहारों की याद दिलाकर, प्रेमी से उसके प्रतिद्वंद्वी की उदारता का विवरण आदि देकर संपत्ति प्राप्त कर सकती है। प्रेमी की विरक्ति। वेश्या अपने प्रेमी के विरक्ति होने के लक्षण पहचानती है और तब उससे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन वसूलने का प्रयत्न करती है। प्रेमी की विरक्ति के लक्षण ये हैं: वेश्या को केवल उतना ही धन देना जितने का वायदा हो, अन्य बातों में मन लगाकर रहना, वायदे पूरे न करना, निश्चित धन न देकर कम देना, मित्रों के सामने इशारों से उसका मजाक उड़ाना, बहाना बनाकर अन्यत्र जाकर सोना, नौकरों से पुरानी प्रेमिका के गुणों का बखान करना आदि। वेश्या की विरक्ति। वेश्या भी प्रेमी को धनहीन बनाने के बाद उससे संबंध तोड़ने का प्रयत्न करती है। वह उन कामों को करने लगती है जिन्हें प्रेमी पसंद नहीं करता। प्रेमी के सामने होंठ चबाती है, पैर पटकती है, उन विषयों पर बात करती है जिन्हें प्रेमी नहीं जानता। यदि प्रेमी उसकी गुप्त बातें बताए तो आश्चर्य प्रकट नहीं करती कि ये बातें उसे कहां से मालूम हो गई। प्रेमी को ताने मारती है, उसके उच्च अधिकारियों से हेल मेल बढ़ाने लगती है, उसके सम्मान पर चोट पहुंचाती है, उसकी निंदा करती है, उसके प्रति उदासीनता दिखलाती है। इतने पर भी यदि प्रेमी न समझे या उससे चिपका रहे तो वेश्या अन्य उपाय करती है। जैसे प्रेमी यदि पान आदि पेश करे तो ठुकरा देती है, उसे चुंबन नहीं लेने देती, शरीर को ढक कर रखती है। प्रेमी ने दांत और नाखूनों से जो निशान बनाए थे उन्हें नफरत से देखती है। यदि प्रेमी आलिंगन करना चाहे तो अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लेती है। यदि प्रेमी उसे मैथुन कर रहा हो तो शांत लेटी रहती है, कोई रुचि नहीं दिखाती, घुटने मोड़ लेती है। जब प्रेमी संभोग करके थक गया हो तब उसे संभोग जारी रखने के लिए उकसाती है। यदि प्रेमी लाचारी दिखाता है तो हंसी उड़ाती है, और यदि प्रेमी ने फिर संभोग शुरू कर दिया हो तो कोई तारीफ नहीं करती है और दिन में अन्य प्रमुख व्यक्तियों से मिलने जाने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि वह उसकी प्रत्येक बात काटने लगती है, उसकी गंभीर बातों पर भी हंसती है। जब वह बातें कर रहा हो तब अन्यत्र देखने लगती है, विषय बदल देती है, उसकी बुराइयों की चर्चा करती है तथा गुप्त रहस्यों को जोर जोर से बताती है। इस पर भी प्रेमी आए
तो वेश्या उससे नहीं मिलती, कहीं छिप जाती है और अंत में उसे बिल्कुल ही छोड़ देती है। 3. पुराने प्रेमी से पुनः नाता। वेश्या धन के लिए ही प्रेम करती है। यदि वह वर्तमान प्रेमी का समस्त धन चूस कर फिर किसी पुराने प्रेमी से संबंध स्थापित करना चाहती हो, वह पहले यह देख लेती है कि वह पुराना प्रेमी इस समय किसी अन्य वेश्या के चंगुल में तो नहीं है। वह फिर से संबंध स्थापित करने का इच्छुक है या नहीं, और उसके पास अब फिर से काफी धन आ गया है या नहीं। जिस प्रेमी को हटाया गया है वह इन 6 वर्गों में से किसी एक वर्ग का हो सकता है। 1. जिसने इस वेश्या तथा अन्य वेश्याओं को अपनी मर्जी से छोड़ा हो। 2. जिसे इसने छोड़ा हो और अन्य वेश्याओं ने ना निकाल दिया हो। 3. जिसने इसे छोड़ा हो परंतु जिसे अन्य वेश्याओं ने भी निकाल दिया हो। 4. जिसने इसे छोड़कर अन्य वेश्याओं से संबंध स्थापित कर लिया हो। 5. जिसको इस वेश्या ने निकाल दिया हो। 6. जिसको इस वेश्या ने निकाल दिया हो पर अन्य वेश्या से संबंध स्थापित कर लिया हो। जिस प्रेमी ने पहली वेश्या को छोड़ा हो और उसके बाद दूसरी तीसरी को भी छोड़ दिया हो, वह अस्थिर चित्त का व्यक्ति होता है। उससे फिर से संबंध नहीं करना चाहिए। जिसे पहली ने निकाला हो और बाद में दूसरी तीसरी ने भी निकाल दिया हो, यदि अस्थिर चित्त वाला धनी है तो उससे फिर से संबंध स्थापित किया जा सकता है। परंतु यदि वह कंजूस या निर्धन हो तो संबंध स्थापित करना ठीक नहीं। जिसने पहली को छोड़कर अन्य से संबंध जोड़ लिया हो, वह यदि पहली के पास वापस आना चाहता हो और अधिक धन देने को तैयार हो तो उससे फिर संबंध जोड़ा जा सकता है। वेश्या इन 3 कारणों से भी पुराने प्रेमी से पुनः संबंध स्थापित करना चाहती है। उसे नई वेश्या से अलग करने के लिए, उसे किसी विशेष स्त्री से अलग करने के लिए और अपने वर्तमान प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए। 4. वेश्या को लाभ। वेश्या एक ही समय में अनेक पुरुषों से संबंध रख सकती है। ऐसी वेश्या को अपरिग्रहा कहते हैं। एक अपरिग्रहा का जिक्र इसी अधिकरण के दूसरे अध्याय में किया जा चुका है और अनेक परिग्रहा का 6 अध्याय में किया जाएगा। अपरिग्रहा वेश्या अपनी स्थिति, योग्यता, गुण, रहन सहन आदि को ध्यान में रखकर अपनी फीस तय करती है। जिस व्यक्ति से उसे लाभ की आशा है तथा जो वेश्यागामी है उसके पास अपना दूत प्रेमी ने भेजा है। आचार्यगण कहते हैं कि वेश्या एक बार में अनेक प्रेमी रखकर खूब लाभ कमाती है। वेश्या को चाहिए कि जो व्यक्ति उससे प्रेम करता हो उसकी अपेक्षा वह उस व्यक्ति से अधिक घनिष्ठता रखे जो उदारता पूर्वक धन देता हो। वात्स्यायन कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम करने लगा हो वह तो कंजूस होने के बावजूद प्रेमिका को खुश रखने के लिए धन देगा ही। इसी प्रकार वेश्या के कर्तव्यों आदि के बारे में आचार्यों और वात्स्यायन के अनेक मतभेद हैं। आचार्य गणों के अनुसार आय, धन, मान, सौंदर्य आदि की दृष्टि से वेश्याओं के 3 भेद हैं: गणिका, रूपाजीवी और कुंभदासी। गणिका 64 कलाओं में निपुण तथा राजाओं और उच्च रसिक जनों में सम्मानित होती है। वह केवल काम वासना ही शांत नहीं करती बल्कि नृत्य गान आदि से भी मनोरंजन करती है। रूपाजीवा जो अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित करती है, अपने सुंदर शरीर से पुरुषों की केवल काम लालसा शांत करती है। कुंभदासी सामान्य वेश्या
जो शरीर का व्यापार करती है। वात्स्यायन कहते हैं कि जो पुरुष थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले हैं, अधिक धन देने वाला उदार व्यक्ति हो, उसके पास वेश्याएं स्वयं भी कुछ खर्च करके जाने की इच्छुक होती हैं। 6. लाभ हानि और वेश्या भेद। वेश्या जब खूब धन बटोरना चाहती है तब अनेक बार उसे मुसीबतों का सामना भी करना पड़ जाता है। मुसीबतें इन कारणों से आती हैं: 1. विवेक बुद्धि की कमी से, 2. किसी के प्रति अत्यंत आसक्त होने से, 3. अत्यधिक घमंड से, 4. अत्यधिक दंभ से, 5. सरल स्वभाव से, 6. जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से, 7. बहुत क्रोध करने से, 8. प्रमाद या लापरवाही से, 9. बिना सोचे समझे काम करने से, और 10. दैवयोग से। और तब इनसे ये परिणाम तक हो सकते हैं: 1. बेकार ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। 2. इज्जत खत्म हो जाती है और भविष्य अंधकारमय हो जाता है। 3. आय के साधन समाप्त हो जाते हैं। 4. समस्त धन समाप्त हो जाता है। 5. प्रेमियों का आना बंद हो जाता है। 6. शरीर पर चोट लगती है और कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। 7. प्रेमी कभी कभी सिर के बाल तक काट देता है। 8. हाथ पैर बांध कर पीटा जाता है। और 9. अंग भंग कर दिए जाते हैं। अर्थ अनर्थ। अर्थ धर्म और काम की प्राप्ति को अर्थ त्रिवर्ग कहते हैं और इन्हें पाना इष्ट लक्ष्य होता है। अनर्थ अधर्म और द्वेष को अनर्थ त्रिवर्ग कहते हैं, इन्हें पाना अनिष्ट लक्ष्य कहलाता है। आचार्यों ने इनकी प्राप्ति और अर्थ त्रिवर्ग में अनर्थ त्रिवर्ग के आ जाने के बारे में अनेक मतभेद किए हैं। वेश्या भेद। पहले केवल 3 प्रकार की वेश्याओं का जिक्र किया गया था, यहाँ पर उनके समस्त भेद बताए जा रहे हैं। वेश्याएं 8 प्रकार की होती हैं: 1. कुंभदासी, 2. परिचारिका, 3. कुल्टा, 4. स्वैरिणी, 5. नटी, 6. शिल्पकारिका, 7. प्रकाश विनिष्ठा, 8. रूपा जीवा और 9. गणिका। 1. कुंभदासी, जो घर के छोटे मोटे काम करती हो और साथ ही वेश्यावृत्ति भी। 2. परिचारिका, घर में सेवा टहल करने वाली जो नौकरानी आदि छिपकर वेश्यावृत्ति भी करती हो। 3. कुल्टा, विवाहित स्त्री जो पति के भय से घर से बाहर जाकर दूसरे रूप से दूसरे आदमी से संभोग करती है। 4. स्वैरिणी, जो पति की परवाह न करके घर में ही या बाहर खुले रूप से दूसरे पुरुषों से संभोग करती है। 5. नटी, नटी या अभिनेत्री। 6. शिल्पकारिका, शिल्पकारों की स्त्रियां अथवा जो स्वयं कारीगर हो, ऐसी स्त्रियां दूसरों के घर आती जाती हैं और मौका पाने पर दूसरे पुरुषों से संभोग करती हैं। 7. प्रकाश विनष्टा, जो पति के होते हुए भी अथवा उसके घर जाने पर खुले आम वेश्या का आचरण करती हो। 8. रूपा जीवा, जिसने अपनी सुंदरता से ही पैसा कमाने के लिए वेश्यावृत्ति अपना ली हो। 9. गणिका, 64 कलाओं में प्रवीण, नृत्य कला आदि की और सभी समाज में सम्मानित वेश्या। इन भेदों से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य वात्स्यायन उन सभी स्त्रियों को वेश्या मानते हैं जो किसी न किसी रूप में
पर पुरुष गमन करती है। आचार्य व प्रभु बाहन ने एक और वेश्या की गणना की है। ऐसी स्त्री जो पति के सम्मुख या पति की सहमति से संभोग कराती है उसे कुपथमा वेश्या कहा है। ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति कराकर जीविका चलाते हैं। सप्तम अधिकरण औपनिषदिक एक सौंदर्य वर्धन और वशीकरण, दो काम वेग बढ़ाने के उपाय, तीन काम तुष्टि के विभिन्न उपाय, चार उपसंहार। एक सौंदर्य वर्धन और वशीकरण। काम सूत्र का वर्णन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। उनमें काम तृप्ति के जो तरीके बताए गए हैं, यदि उनसे कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करता तो उसे अन्य तरीके भी इस्तेमाल करने चाहिए। वे तरीके इस अधिकरण में दिए गए हैं। यहाँ यह स्मरण रहे कि इस अधिकरण में मुख्यतः औषधियाँ दी गई हैं, जिन्हें आचार्य वात्स्यायन के काल में उपयोगी माना गया था, परंतु अब इनका प्रयोग तभी किया जाए जब अच्छे समझदार और अनुभवी वैद्य सलाह दे। अतः अपने पाठकों को हम यही सलाह देंगे कि वे वैद्य से ही इनके बारे में पूछें। यहाँ हम केवल इनका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कामसूत्र में इनका उल्लेख किया गया है। दूसरों को आकर्षित करने और काम कला में सफल होने के लिए चार बातें मुख्य हैं। एक, रूप। स्त्री या पुरुष का बाह्य शारीरिक सौंदर्य देखकर कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। प्रथम दर्शन में शारीरिक सौंदर्य ही देखा जाता है, सौंदर्य ही मुख्य है। दो, गुण। नायक और नायिका के गुणों का वर्णन किया जा चुका है। यदि कोई बहुत सुंदर न भी हो परंतु उसमें गुण हो तो वह आसानी से आकर्षण का केंद्र हो सकता है। तीन, वय। नायक या नायिका का युवावस्था में होना आवश्यक है। रूप और गुण के होते हुए भी यदि कोई वृद्ध है तो उसके प्रति काम लालसा पैदा नहीं होगी, क्योंकि वृद्ध शरीर काम की पूर्ति नहीं कर सकता है। चार, त्याग। यहाँ त्याग का अर्थ उदारता है। जो व्यक्ति उदार है, इच्छा होने पर मन चाहा खर्च कर सकता है, पैसे को दांत से नहीं पकड़ता, वही काम कला में सफल हो सकता है। सौंदर्य वृद्धि। वात्स्यायन के काम सूत्र में सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक तरीके बताए गए हैं। एक, तगर, कूट और तालीस पत्र को पानी के साथ पीसकर शरीर पर लेप लगाने से शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। दो, तगर, कूट और तालीस पत्र का बारीक चूर्ण बनाया जाए और कपड़े की बत्ती बनाकर उस पर लगाया जाए। फिर इस बत्ती को अक्ष तेल में भिगोकर उससे मानव कपाल में अंजन बनाया जाए। इस अंजन को आंख में लगाने से स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। तीन, पुनर्नवा, सहदेवी, सारिबा, कुरंटक और उत्पत तेल की मालिश करने से सौंदर्य बढ़ता है। चार, इन्हीं चीजों का चूर्ण माला पर छिड़क कर उसे पहनने से स्त्रियां पहनने वाले की ओर आकर्षित होती हैं। पांच, पद्म, उत्पल तथा नाग केशर को सुखाकर उसका चूर्ण तैयार करके शहद के साथ चाटने से चेहरा कमल की तरह खिल जाता है।
छह इन्हीं चीजों का तगर तालीस और तमाल पत्र के साथ मिलाकर उबटन बनाकर शरीर पर लेप करने से शरीर सुंदर हो जाता है। सात स्वर्ण मंजूषा में मोरवा तारासु की आंख रखकर उसे कलाई अथवा बाह पर पहनने से आकर्षण बढ़ता है। आठ बादरमणि और शंखमणि को अथर्ववेद में उल्लिखित धारण योग से मंत्रित करके पहनने से पुरुष की ओर सभी आकर्षित होते हैं। वेश्या पुत्री वेश्या अपनी युवा पुत्री को साल भर तक रसिक जनों की नजरों से दूर कर देती है। इससे रसिक जन उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं और उनमें अधिक धन देने की होड़ लग जाती है। तब जो सबसे अधिक धन देने को तैयार होता है उसे वेश्या अपनी पुत्री को सौंप देती है। इस प्रकार वेश्या लोगों को अपनी जवान लड़की के प्रति आकर्षित करती है और खूब धन कमाती है। साल भर तक संसर्ग न करने से जवान लड़की का सौंदर्य स्वयं ही बढ़ता है। चतुर्वयस्क वेश्या अपने घर पर सुंदर और मालदार लड़कों को बुलाती है जो वहाँ वेश्या की जवान पुत्री के साथ खेलते और मनोरंजन करते हैं। साथ ही वह अपनी पुत्री का चरित्र भी बचाए रखती है। जब अनेक युवक उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उससे संभोग करना चाहते हैं, तब वेश्या कह देती है, किसको सबसे अधिक धन देगा वही इस लड़की के साथ संभोग करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार वेश्या मनोवांछित धन पाकर किसी मालदार सुंदर युवक से अपनी लड़की का शील भंग करा देती है। अनेक बार वेश्या अधिक धन पाकर भी बताती है कि उसे कम धन मिला है, इससे लड़की का मूल्य बढ़ता है। अनेक बार चतुर वेश्या किसी युवक से अपनी पुत्री का कौमार्य भंग तो करा देती है, परंतु अपने आप उससे अनजान बने रहने का बहाना करती है। जब लड़की का कौमार्य भंग हो जाता है तब वह अदालत में जाकर मुआवजे की फरियाद करती है। इस प्रकार वह सीधे साधे अमीर युवक से दोनों तरफ से धन लूटती है। पूर्वी प्रांतों में वृद्ध वेश्या अपनी नौकरानी या पुत्री की सहेली की सहायता से ही पुत्री का कौमार्य भंग करा देती है और तब उसे वेश्या वृत्ति में लगा देती है। नियम यह है कि जो व्यक्ति पहली बार वेश्या पुत्री से संभोग करे उसी के साथ वेश्या पुत्री साल भर तक पत्नी की तरह रहे और तब उसके बाद वेश्या वृत्ति चलाए। साल भर के बाद भी यदि कभी व्यक्ति उस वेश्या पुत्री को संभोग के लिए बुलाए तो उसे बिना धन के लालच के उसके पास जाना चाहिए। इससे वेश्या पुत्री का सौभाग्य बढ़ता है, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है तथा वह अन्य रसिक जनों की नजरों में ऊंची उठती है। यही बातें नर्तकियों और नटनियों की पुत्रियों पर भी लागू होती है। अंतर केवल इतना है कि इनका संसर्ग वही व्यक्ति करे जो इनके पेशे में सहायक हो सकता है। वशीकरण आचार्यों ने वशीकरण के भी कुछ उपाय बताए हैं। एक धतूरा काली मिर्च और पिपली का चूर्ण बनाकर उसे शहद में मिलाकर लिंग पर लेप किया जाए, फिर उसे साफ करके संभोग करने से वह कामुक से कामुक स्त्री को संतुष्ट कर सकता है। दो वायु से उड़ाया तेज पत्र, मृतक के शरीर से उतारी माला और मोर की हड्डी का चूर्ण बनाकर स्त्री के सिर या पुरुष के पैर पर छिड़कने से वशीकरण होता है। तीन स्वाभाविक रूप से मृत मादा गिद्ध की हड्डियों और आंवले के चूर्ण को शहद में मिलाकर शरीर पर लगाने से स्त्री को वश में किया जा सकता है। चार वज्र स्नोही और खैर की लकड़ी पर गंधक और मनहशील का लेप करके सात बार सुखा ले, फिर उसका चूर्ण बनाकर शहद में मिलाएं। इसे लिंग पर लगाकर
संभोग करने में स्त्री वश में हो जाती है। 5, इसी को यदि रात में जलाया जाए और इससे जो धुआं उठे उसके बीच से यदि स्त्री चांद देखे तो उसे चांद सुनहरा दिखाई देगा। 6, इसी को यदि बंदर के मल में मिलाकर किसी स्त्री के सिर पर छिड़का जाए तो स्त्री तत्काल वश में आ जाएगी। 7, आम की गुठली के तेल में बच के टुकड़े मिलाएं और उन्हें शीशम के तने पर छेद करके भर दें। इसे फिर 6 महीने बाद निकालें और उसका लेप बनाएं। इस लेप को लगाने से शरीर का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि स्त्रियां स्वयं ही आकर्षित होने लगती हैं। गंधर्व भी स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए यही विधि अपनाते हैं। अंतर केवल यह है कि वे खादिरशाह प्रयोग करते हैं। 8, प्रियंगु पुरुष को तगर में मिलाकर उसे सहकार तेल में मिला दें और फिर नाग केशर के पेड़ पर छोटा सा छेद बनाकर उसमें रख दें। 6 महीने बाद उसे निकालें और उसका लेप करें। इससे सौंदर्य बढ़ता है। 9, ऊंट की हड्डी के चूर्ण को भृंगराज रस में 21 बार डुबोकर सुखा लें। फिर इसका अंतर्धूम अंजन तैयार करके रख लें। इस अंजन को लगाने से वशीकरण होता है। 10, इसी प्रकार बाज, गिद्ध और मोर की हड्डी से भी चूर्ण बनाया जाता है। 2, काम वेग बढ़ाने के उपाय। 1, उच्चटा की जड़, चव्य और षष्ठी प्रधुक अर्थात मुलेठी का चूर्ण बनाकर चीनी मिले दूध में घोलकर पीने से पुरुष में बैल की तरह मैथुन शक्ति आ जाती है। 2, भेड़ या बकरे के अंडकोश को दूध में पकाकर और उसमें चीनी डालकर पीने से मनुष्य की पुसंत्व शक्ति बढ़ती है। 3, विकारी कंद, क्षीरिका और स्वयं गुप्ता को दूध और चीनी के साथ मिलाकर पीने से भी पुंसत्व शक्ति बढ़ती है। 4, इसी प्रकार प्रियाल के बीज अर्थात चिरौंजी, नोराटी, ईख की जड़ और विदारी कंद को दूध के साथ लेने से मनुष्य की पुंसत्व शक्ति बैल की तरह हो जाती है। 5, श्रीमवाटक अर्थात सिंघाड़ा, कपेरूक, मधुलिका अर्थात महुआ और वीरका कोजी को मिलाकर पके दूध, घी और चीनी के साथ पकाकर पीने से पुरुष एक बार में ही अनेक स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। 6, इसी तरह भाष कमलिनी अर्थात उड़द को भिगोकर उसके छिलके को निकालने के बाद घी में भूनकर ऐसी गाय के दूध में पकाया जाए जिसका बछड़ा बड़ा हो गया हो, तब उसमें शहद और घी मिलाकर पीने से अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने की शक्ति आ जाती है। 7, विदारी कंद और स्वयं गुप्ता के चूर्ण में चीनी, शहद और घी मिलाकर उसे गेहूं के आटे के साथ गूंथें, फिर उसकी पूरियां तलें। इन पूरियों को खाने से अनेक स्त्रियों से मैथुन करने की शक्ति आ जाती है। 8, चावलों में चटक अर्थात गौरैया के अंडकोश के रस की भावना देखकर उसके दूध में खीर बना लें। इस खीर को शहद और घी के साथ खाने से अनेक स्त्रियों के साथ संभोग करने की शक्ति आ जाती है। 9, तिल के छिलके निकालकर उन्हें चटक के अंडकोश के रस की भावना दें, फिर उन्हें श्रृंगाटक, कमरुख और स्वयं गुप्ता के चूर्ण तथा गेहूं और उड़द के आटे में मिलाकर दूध, घी और चीनी के साथ पका लें। इस तरह जो पाक बनेगा उसके सेवन से अनेक स्त्रियों के साथ रमण किया जा सकता है। 10, शतावरी, गोखरू और श्री परणी फल का चूरा बनाकर चौगुने पानी में पकाकर काढ़ा बना ली। इसके सेवन से
अनेक स्त्रियों के साथ रमण किया जा सकता है। और 11, जाओ आटा और गोखरू का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला ले। इसे प्रातः काल लेने से बल बुद्धि और वीर्य बढ़ता है। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि जो व्यक्ति बल बुद्धि और वीर्य को बढ़ाने के लिए उत्तम औषधि लेना चाहता है, उसे चाहिए कि वह आयुर्वेद, अथर्ववेद और तंत्र शास्त्र का अध्ययन करे, या जो तंत्र शास्त्र का ज्ञाता हो उससे शिक्षा प्राप्त करें।